अगली खबर आ रही है सागर से, जहां देवरी थाना क्षेत्र के खंडेराव वार्ड में स्थित शिव मंदिर परिसर के कमरे में पुजारी के भाई का शव फंदे पर झूलता हुआ मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार देवरी के खंडेराव वार्ड में शिव मंदिर है, जिसमें पूजा पाठ का कार्य पुजारी बैजनाथ प्रसाद पाठक करते हैं। मंगलवार रात मंदिर के कमरे में पुजारी के भाई मुन्ना उर्फ प्रकाश पाठक उम्र 50 साल निवासी खंडेराव वार्ड का शव पर झूलता मिला है। कमरे में शव होने की सूचना मिलते ही देवरी पुलिस मौके पर पहुंची। अंदर जाकर देखा तो मुन्ना का शव फंदे पर झूल रहा था। पंचनामा बनाकर शव फंदे से नीचे उतारा गया। आत्महत्या के पीछे का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद मृतक के भतीजे गोविंद पाठक ने बताया कि चाचा और चाची के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह भी उनके बीच कहासुनी हुई थी। संभवतः उन्होंने इसी कारण से आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। हालांकि पुलिस मामले में जांच कर रही है। जांच अधिकारी ने कहा कि आत्महत्या के मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है। परिवार वालों के बयान लिए जाएंगे, जिसके बाद ही सभी कारण सामने आ सकेंगे। पारिवारिक कलह के बिंदु पर भी जांच की जा रही है। अज्ञात कारणों से शिव मंदिर जो है खंडेराव वार्ड में, वहाँ से उसने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है।